महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुई हिंसक घटना के बाद मुंबई पुलिस और आरएएफ का रूट मार्च। महाराष्ट्र के अमरावती मालेगांव जैसे जिलों में हुई हिंसक घटना के बाद बोरीवली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने बोरीवली और गोराई इलाके में 6 किलोमीटर का रूट मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बोरीवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा कि यह रूट मार्च लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला गया है। हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर लोग भरोसा न करें। बोरीवली पुलिस और अर्धसैनिक बल सदा आपके साथ है। आज का रूट मार्च है और क्या मैसेज दे रहे हैं इस रूट मार्च के? आज का जो रूट मार्च है वो रूट मार्च बुरुली पुलिस थाने की तरफ से आयोजित किया गया था और इस रूट मार्च के दौरान यानी कि इस पथ संचलन के दौरान हार्बर स्थित जो रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन क्रमांक 102 जो है वो भी इस पथ संचलन में शामिल हुई थी। उस बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट स्वाति मैडम और उनके 65 अधिकारी एवं जवान इस पथ संचलन में शामिल थे। इनके अलावा बुरुली पुलिस थाने की तरफ से 100 अधिकारी और जवानों का जो भी है 100 अधिकारी और जवान इस पथ संचलन में शामिल हुए थे। इस रूट मार्च की शुरुआत 10:30 एक्सल डोंगरी से हुई और अभी दोपहर के 12:10 पर मंगलमूर्ति जंक्शन में इस पथ संचलन का समाप्ति हुई है। एक्सल डोंगरी से लेके एक्सल दरगाह फिर बाबई नाका से फिर वजीरा गणपति फिर डॉन बॉस्को जंक्शन फिर मंगलमूर्ति जंक्शन से बाएं मुड़कर भीमनगर गली क्रमांक 5 में पथ संचलन का जो है हमने आयोजन किया था। भीमनगर गली क्रमांक 5 में अंदर जाकर जो भी पांचों गलियों में अंदर जाकर हमने पथ संचलन किया और अभी यहाँ मंगलमूर्ति जंक्शन आकर इस पथ संचलन की समाप्ति हुई है। इस पथ संचलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को बुरुली थाने की तरफ से और ये जो अर्धसैनिक बल है या दल है इनकी तरफ से हम एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। अफवाहें जो है वो अफवाहें बस कुछ नहीं है, कुछ भी गलत अफवाहें फैलाते हैं लोग, उस अफवाह पर आप विश्वास ना करें। बुरुली पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो ये सदा आपके साथ है। आप निर्भयता से अपना जो भी जीवन है वो जीवन व्यतीत कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कोई तकलीफ होती है तो पुलिस और अर्धसैनिक बल सदा आपके साथ है। ये जो रूट मार्च है ये करीबन 6.25 किलोमीटर का रूट मार्च हुआ। 5.5% का ये जो रूट मार्च है ये पूरा रूट मार्च हुआ। बस जो हम लोगों को संदेशा देना चाहते हैं, हम ये आशा करते हैं कि हमारा जो संदेशा है लोगों तक जरूर पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा भी होगा तो TV9 की तरफ से आप ये जो हमारा संदेशा है
ये संदेश लोगों तक पहुँचाएं, बस टीवी 9 को हम विनती करते हैं। और बुरेली पुलिस थाने की तरफ से टीवी 9 का और आपका।